इसलिए नीतीश बाबू जो अब तो करीब 20वां साल में एंटर कर रहे हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, तो इतने वर्ष में भी अगर गरीब को न्याय नहीं मिला, विकास का हिस्सा नहीं मिला, तो सवाल उठ ही जाएगा कि 5 डिसमिल जमीन का वादा, पक्का मकान का वादा, 2 लाख रुपया ऐसे 34% परिवारों को हम देंगे इसका वादा, सभी मोर्चों पर सरकार फेल की। गरीबों को जमीन मिलने की गारंटी हम करेंगे, ये भाषा सरकार की तरफ से नहीं बोली जा रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, जहाँ बिहार में न्याय के साथ विकास की बात होती है, वहीं CPIML के तमाम नेता पैदल चल रहे हैं। आज पटना पहुँचे हैं, बदलो बिहार न्याय यात्रा। हमारे साथ आपको दिख रहे होंगे कि राजा राम सिंह काराकाट से सांसद हैं, पैदल चल रहे थे, आज पटना पहुँचे। जहाँ बिहार में बात होता है न्याय के साथ विकास की, वहीं आप लोग बदलो बिहार न्याय यात्रा कर रहे हैं, ज़रूरत क्या आन पड़ी? नीतीश जी जब इंडिया गठबंधन में आए थे तो बिहार में जाति जनगणना हुई थी और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था। उसमें एक बात निकल के आई कि 100 में 34% परिवार ऐसे हैं जिनका मासिक आमदनी 6000 से भी कम है, और 100 में 63% परिवार ऐसे हैं जो 10000 से कम आमदनी वाले हैं। तो ये तब न्याय किसको मिला और कहाँ मिला, ये सवाल उठ गया। इसलिए नीतीश बाबू जो अब तो करीब 20वां साल में एंटर कर रहे हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, तो इतने वर्ष में भी अगर गरीब को न्याय नहीं मिला, विकास का हिस्सा नहीं मिला, तो सवाल उठ ही जाएगा। और आर्थिक अन्याय के साथ साथ सामाजिक अन्याय उत्पीड़न की घटनाएं भी बढ़ी हैं, और उसमें हमने साफ तौर से देखा है कि 5 डिसमिल जमीन का वादा, पक्का मकान का वादा, 2 लाख रुपया ऐसे 34% परिवारों को हम देंगे इसका वायदा, सभी मोर्चों पर सरकार फेल हुई है। सर्वे तो हो ही रहा है, लैंड सर्वे हो रहा है। लैंड सर्वे में भी एक तरह से जिस ढंग से सर्वे चल रहा है, गरीबों को जमीन मिलने की गारंटी हम करेंगे, ये भाषा सरकार की तरफ से नहीं बोली जा रही है। कागज लोग दिखाएं तो बड़े पैमाने पर, तो गरीब मान लीजिए कि गैर मजरुआ जमीन पर, सरकारी जमीन पर, बेनामी जमीन पर बसे हुए हैं, तो एक तरह से ये सर्वे उनके लिए परमानेंट बेदखली का प्रमाण लेकर के आ रहा है। अच्छा, तो ये उनका लैंड सर्वे एक तरह से गरीबों को बेदखल करने का अभियान का रूप लेता जा रहा है। आप लोग ग्राउंड जीरो पर थे, लोगों से क्या बातचीत हुई? लोग मतलब इसे त्रस्त हैं, जिसे आज आप बता रहे हैं, कुछ तो सीधे मिलकर के की बातें हुई, फिर कुछ क्षेत्र से फ़ोन भी आए। अच्छा, आज अब सोन में अच्छा खासा मात्रा में लोग खेती करते हैं, और सब्जियों की खेती, गेहूं की खेती, धान की खेती, खेत बनाया है उन लोगों ने मेहनत से। अब वहाँ कोई बालू का ठेकेदार अपना ठेका लेके आ गया कि यहाँ पर हमें बालू निकालना है, और CEO और जिला प्रशासन के सारे लोग उसके पीठ पर खड़े हैं। तो भैया, पीठ पर खड़ा होना है तो किसान के पीठ पर क्यों नहीं खड़ा हो सकते? तो इसीलिए मतलब एक अजीब सा स्थिति बना हुआ है, मतलब जो साधारण लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, उनके पक्ष में सरकार खड़ी नहीं है। वो लगातार भाजपा के साथ जब से नीतीश जी गए हैं, तो खास तौर से जो समाज की दबंग ताकते हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, उनके पक्ष में सरकार की नीतियां बन रही हैं, और इसीलिए तब गरीबों के न्याय का सवाल, मजदूर किसानों के न्याय का सवाल, नौजवानों के न्याय का सवाल, कहिए कि न्याय का सवाल बिहार के समाज में गूंजने लगा है फिर से। JDU के नेता कह रहे हैं कि जनता ने न्याय कर दिया आप लोगों के साथ, आप लोगों को सत्ता से दूर रखा है। अभी चुनाव होना है 25 का,
और ये ठीक है, मोदी जी की भाजपा को भी अकेले देश की जनता ने कुर्सी पर बैठने नहीं दिया, और अभी इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी में मदद करने से खुश हैं जदयू के लोग। जुगाड़ टेक्नोलॉजी? हाँ, जुगाड़ ही है ये। ये जनता दल यू और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से एनडीए की सरकार चल रही है। अकेले बीजेपी जो मंसूबा बांधे हुए थे कि 400 पार जाएंगे और संविधान बदलेंगे, तो वो धरा का धरा रह गया। जनता ने उसको पीछे ढकेल दिया, तब पीछे हटते हुए कह रहे हैं कि सत्ता में आखिर हम रह न गए। तो ये एक बैकफुट पर जा करके फिर से हमलावर होना है। आप लोग स्मार्ट मीटर को लेकर भी खूब बोल रहे हैं, कह रहे स्मार्ट मीटर खुनचुसवा मीटर है, गरीब परेशान है, पहले रिचार्ज करना होता है। तर्क सत्ता में बैठे लोगों का तो आपने सुना ही होगा, राजा राम जी उनका कहना है भाई मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। और जब इन तमाम तकनीकों से जनता को जोड़ा जा रहा है तो आप लोगों को दर्द हो रहा है पेट में? नहीं, सीधा लॉजिक है कि अभी तक का पैटर्न रहा है पहले सर्विस बाद में दाम। और आप पहले दाम ले रहे हैं बाद में सर्विस दे रहे हैं। मोबाइल में भी तो पहले तो मोबाइल में भी वैसा ही करिए ना, मोबाइल में भी सर्विस देने के बाद करिए, उसको दिक्कत क्या है। जब एक पैटर्न बना, मजदूर को तो आप पहले काम ले लेते हैं उसके बाद मजदूरी देते हैं, उसको देने में भी तंग करते हैं, दिक्कत करते हैं। तो इसीलिए पूरा जो है हम पूछना चाहते हैं कि अडानी को हर चीज़ सौंपने के लिए केंद्र की सरकार आमादा क्यों है, और उसमें नीतीश जी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देश के तमाम प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, सब एक मित्र पूंजीपति को, मोदी जी के मित्र पूंजीपति को सब कुछ हैंड ओवर कर देने की, अब फोकट में हैंड ओवर कर देने की आखिर इतना उतावलापन क्यों है देश में, तो उनको बताना चाहिए। चिल्लाने से क्या फ़ायदा, विभागीय मंत्री ने भी रुख साफ कर दिया है, चाहे लैंड सर्वे की का मुद्दा हो या स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, सभी सब कुछ साफ हो चुका है, रुकना नहीं है, होना है। वो ठीक है, जनता की बात, गरीबों की बात अनसुनी करें, समय पर गरीब भी अपना फैसला देगा। उसके साथ जो उपेक्षा अन्याय हो रहा है, और इसी अर्थ में न्याय यात्रा को भारी समर्थन व्यापक गरीबों का, आम आदमी का मिला है। हाँ, तो समय आने पर उनको जवाब मिलेगा। शराबबंदी को लेकर तो आप लोग लगातार कहते रहे कि समीक्षा में भी नीतीश जी राग अलापते रहे कि एकदम पूरा शराबबंदी लागू है, लेकिन बीच बीच में गरीबों का जनसंहार चल रहा है जहरीली शराब से, लेकिन आज तक एक भी शराब माफिया, जहरीली शराब परोसने वाले माफिया में से कोई आदमी पकड़ा नहीं गया, इसलिए कि सत्ता के साथ ऐसे लोगों का गठबंधन है। तो ये जनसंहार चल रहा है, यही तो हम कह रहे हैं कि लगातार गरीब विरोधी चेहरा निखर करके आ रहा है, और नीतीश जी का न्याय के साथ विकास का नारा छलावा साबित हुआ है, धोखा साबित हुआ है। और अब बिहार को न्यायपूर्ण बिहार के लिए बदलाव चाहिए, उसी बदलाव का आह्वान करने ये न्याय यात्रा पूरे बिहार में निकली थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा कर दिया इसी शराबबंदी को लेकर। जब तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया कि बिहार में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, बिहार में शराब जो है वो धड़ल्ले से लोगों तक होम डिलीवरी हो जा रहा है, तो मांझी ने कहा कि खुद भी तो शराब पीते हैं तेजस्वी यादव, इस आरोप को कैसे देखते हैं आप? मांझी जी पर जो आरोप उन्हें के क्षेत्र की जनता लगा रही है, मांझी जी कि जी कि मांझी जी ने गरीब मुसहर परिवार के एक सदस्य का हाथ काट लिया गया मजदूरी मांगने को लेकर के, हत्या कर दी गई, मांझी जी इस पर चुप क्यों हैं? वो एनडीए सरकार में हैं, इस पर चुप्पी तोड़ें, लड़ाई लड़ें। बिहार के दो दो लोग दलित नेता अपने को कहते हैं और केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पर तो नहीं बोल पा रहे हैं। घरों में आग लगा दिया गया सामूहिक तौर से 34-34 घरों में, वहीं से यात्रा हमारी शुरू हुई, लेकिन कोई उस पर गरीब का आंसू पोछें, उनके बीच जाएं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उन पर जो अन्याय जुल्म हुआ है इस पर नहीं, पर जो आरोप लगा रहे हैं उसे राजा राम कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं वो तो खुद शराब पीते हैं, तो तेजस्वी यादव क्या सच में शराब पीते हैं?
अब ये इसकी क्या हैबिट है हमको नहीं पता है कि कौन क्या करते हैं, लेकिन सीधा सीधी बात है कि शराबबंदी जहरीली शराब से मौतें हुई तो जवाबदेही किसकी है और शराबबंदी की जवाबदेही किसकी है, इस पर तो नीतीश जी की जवाबदेही ठहरती है और नीतीश जी के साथ मांझी जी हैं तो जवाबदेही तो लेना पड़ेगा सरकार को। कोई भी वो बंद किए हैं तो कैसे कोई पी रहा है, बिहार में अगर शराब बंदी है तो कोई कैसे पी रहा है। अच्छा, आप लोग अभी यात्रा के दौरान भी जब पटना पहुंचे तो आप लोगों ने चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ये दो नेताओं का नाम खूब लिया और कहा कि दलितों पर उत्पीड़न बढ़ा है, हिंसा बढ़ी है, केंद्र में बैठी बीजेपी की जो सरकार है वो फ़ायदा उठा रही है इन दोनों ही नेताओं का, ग्राउंड जीरो पर हकीकत कुछ और है। तो आखिर चिराग पासवान और जीतनराम मांझी तो दलितों के हित में लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे, तो फिर राजा राम जी आप कैसे कह रहे हैं कि चिराग पासवान जीतनराम मांझी कहाँ, हमें तो नहीं इन घटनाओं पर उन लोगों ने कोई कार्रवाई की हो, सरकार को मजबूर किया हो कि ये उत्पीड़न कितनी बड़ी घटना है। 21वीं सदी में गरीब मजदूर का हाथ काटा जा रहा हो मजदूरी मांगने को लेकर के, तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हमने तो नहीं कभी देखा कि इन दोनों में से किसी ने इस पर कोई कदम उठाया। चिराग पासवान तो कहते हैं कि आरक्षण के सवाल पर अगर मंत्री पद त्यागना होगा तो त्याग देंगे, जान दे देंगे, कई बात तो चिराग पासवान खुलखुल कर कहते रहे। आप लोग कहते क्यों दलितों के अति पिछड़ों के बारे में कुछ नहीं कहते, हाजीपुर में ही कहा। आरक्षण को कहां से कहां ला के पटक दिया गया है, चिराग जी नहीं देख रहे हैं क्या? धीरे धीरे सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है, प्राइवेट में नौकरियां दी जा रही हैं उसमें आरक्षण ही नहीं है, ये मामला नहीं है, वो इस्तीफा देने वाले नहीं है, ऐसे लोग सत्ता चिपकू लोग हैं, कहीं कोई इस्तीफा देने की बात चिराग पासवान सत्ता चिपकू जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है सत्ता चिपकू लोग हैं, सुविधावादी लोग हैं, ऐसे लोग बिल्कुल मतलब सरकार की नीतियाँ ही तो हैं जो धीरे धीरे सरकारी नौकरियों से नौजवानों को बाहर कर रही है और ऐसी नौकरियों में ढकेल रही है जहां कोई आरक्षण नहीं है। मांझी जी तो सत्ता चिपकू नहीं है, आप लोग के भी साथ रहे हैं गठबंधन में, अब सोचने लगे? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, मतलब हर के खिलाफ कोई शब्द का टर्म का इस्तेमाल करना ही सार्थक नहीं होता। मैंने आपसे कहा कि आज तक मांझी जी का उन्हीं के क्षेत्र में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी लेकिन एक शब्द सुनाई नहीं दिया है, कोई स्टेप लेते हुए सुनाई नहीं दिया। क्या कारण है इन नेताओं का चुप्पी? इसलिए कि कहीं ना कहीं परोक्ष ढंग से एनडीए सरकार में ऐसी घटनाएं घटी हैं और ये एनडीए के पार्ट हैं, तो आज लेकिन परीक्षा हो रही है कि आप दलित नेता के बतौर दलितों के पक्ष में खड़ा होइएगा, महादलितों के पक्ष में खड़ा होइएगा, या सरकार का मंत्री बन करके केवल सुविधा भोगिएगा, आज इनकी परीक्षा हो रही है इन घटनाओं से। तो आपने सुना राजा राम जी को, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।